हेलो एवरीवन, ये आज देखिए आज साईं बाबा का दिन है तो आज मैं बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मीठा बना रही हूँ साईं बाबा के लिए, भोग के लिए थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ। इसके बाद फिर मैं साईं बाबा के लिए बेसन की सब्जी बनाऊँगी जो साईं बाबा को बहुत पसंद थे। अभी देखिए ये सूजी भुन रही है, सूजी अच्छी सी भुनेगी। सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स। सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, ये सूजी भुन रही है। देखिए ये सूजी थोड़ी थोड़ी सी कलर चेंज हो रहा है इसका। देखिए ये हल्की सी ब्राउन हो रही है सूजी। बाबा का भोग बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है। सूजी का कलर चेंज होता है फिर हम इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। ये आपको हलवा बनाने का तरीका भी है। सूजी को ब्राउन होने देते हैं, इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करते हैं। पानी इतना डालना चाहिए कि सूजी अच्छे से पक जाए। पानी डालने से सूजी अच्छे से पक गई है। देखिए ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला है। ये हलवा ही बनाते हैं ऐसे, ये हलवा बनाने का तरीका भी है। इसको सूजी को अच्छा करते हैं। बाद मैं इसमें चीनी की जगह खांड डाल रही हूँ। खांड होता है ये चीनी से ज़्यादा ठीक रहता है, इसमें थोड़ा सा मैंने खांड ऐड कर दिया है। आप चीनी डालें तो चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, जो आपको सही लगे। चीनी की जगह अगर आप खांड का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए ये एक तरह से सूजी का हलवा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें दाल के भी ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको गाय की डालना पसंद नहीं है तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए ये सूजी का हलवा भी बन गया है। मैं इसका भगवान जी को भोग लगाऊंगी, साईं बाबा को। ये देखिए ये हलवा बन के रेडी हो गया है। साईं बाबा को मीठे में हलवे का भोग लगाऊंगी। ये देखिए ये हलवा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हलवा रेडी है। ये देखिए ये हलवा रेडी हो गया है।